गाइज मूवी में हमें सारा नाम की एक फैट गर्ल की स्टोरी देखने को मिलेगी, जिसे कई लोग उसके मोटापे की वजह से उसे बुली करते रहते हैं। सो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक बुचर शॉप को दिखाया जाता है। इस जगह पर सारा के पिता और उसकी मॉम इस शॉप को चलाते हैं। सारा हमेशा से ही लोगों से अलग रहती है, वो बस दूसरों को दूर से देख के ही जलती रहती है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि उसके साथ के लोग उसे चिढ़ाते हुए उसे पिगी बुलाते हैं। सारा को हमेशा इन सभी चीजों से कम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सारा के घर वाले भी उसको बाहर लोगों के साथ में जाने के लिए कहते हैं, लेकिन सारा हमेशा अपनी लाइफ को लेकर ही टेंशन में रहती है। अब अगले दिन सारा अकेले ही पूल में स्विमिंग करने के लिए जा रही होती है। वो पूल में जाने का वो टाइमिंग चुनती है जब वहाँ पर कोई भी न हो। जब वो पूल के अंदर जाने वाली होती है तो उसे पूल में कोई आदमी दिखता है। वो दोनों लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन तब तक यहाँ पर सारा को बुली करने वाले उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। हमेशा की तरह आज भी वो सारा को पिगी कहकर और काफी बेइज्जती के साथ में जलील कर रहे होते हैं। ये सारी बातें साथ में वो अननोन आदमी भी जाते हुए सुन रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, इन सभी शरारती लड़कियों की हरकत और भी खराब हो जाती है जब वो सारा को पूल में डुबाने की कोशिश भी करते हैं, और बाद में वो सारा के सारे कपड़े और टॉवल लेके यहाँ से चले जाते हैं। इस बीच में जब सारा पूल में डुबकी लगाती है तो उसे पूल के अंदर किसी की लाश दिखती है। ये लाश एक्चुअली पूल के लाइफगार्ड की है, और इसको यहाँ पर जो पहले शख्स था उसने मारा था। उस किलर ने इसको इसलिए मारा था क्योंकि कुछ देर पहले दोनों के बीच में कुछ बात को लेकर बहस हुई थी। कपड़े ना होने पर अब सारा ऐसे ही हाफ न्यूड होकर सड़क पर भागते हुए अपने घर की ओर जाती है। इसी बीच में कुछ और शरारती लड़के उसके पीछे आकर उसे तंग करने लगते हैं, लेकिन सारा किसी तरह बच के फिर से यहाँ से भागने लगती है। वो एक शॉर्टकट लेके यहाँ से जाती है जहाँ उसको एक वैन दिखती है। सारा आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि वो लड़की जो सारा को बुली कर रही थी उसे वो किलर अपनी वैन में डाल रहा है। वैन के आगे आने पर सारा को भी पता चल जाता है कि रोसी वैन में है। सारा खूब तेज डरते हुए ये देखती है, जिसके कारण उसकी ऐसे ही टॉयलेट निकल जाती है। यहाँ पर ये जो किलर था वो सारा को कुछ भी नहीं कहता है, बस उसके लिए एक टॉवल छोड़ के यहाँ से चला जाता है। सारा जल्दी से टॉवल को उठा के अपने बॉडी को ढकती है और जल्दी से यहाँ से भागते हुए अपने घर की ओर भागती है। घर पर पहुंचने के बाद में वो जल्दी से नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है, और आज जो उसके साथ में ये सब हुआ था उसे सोच के वो काफी डर रही होती है। अब अगला दिन होता है। सारा ऐसा रिएक्ट करती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शायद उसे उन लड़कियों की कोई फिक्र नहीं है। सारा जब पास के शॉप में ट्यूबलाइट लेने के लिए जाती है तब उसे पता चलता है कि पूल में जो लाश थी उस बात को अब सब जान चुके हैं। सारा की मॉम सारा को अपने साथ में पूल वाले स्पॉट पर ले जाती है क्योंकि वो जानती है कि सारा कल वहाँ नहाने के लिए गई थी। मर्डर स्पॉट आने पर यहाँ पर सभी को पता चलता है कि मर्डर के साथ में तीन लड़कियों का किडनैप भी हुआ है, और जब सारा से इसके बारे में पूछा जाता है तो वो बताती है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। सारा यहाँ पर यह भी बताती है कि वो सभी लोग उसे पिगी कहकर चिढ़ाते थे, और ये सुनकर सारा की मॉम को बहुत ही एंग्री फील होता है। अब रात में जब पूरी फैमिली डिनर करने के लिए बैठते हैं तो सारा का छोटा भाई बोलता है कि उन लोगों को ढूंढने के लिए इन्हें फाइंड माई फोन का यूज करना चाहिए। सारा का फोन बैग में था और साथ में वो भी खो गया था, इसीलिए वो भी अपना फोन ढूंढना चाहती है। वो चुपके से अपने डैड का फोन चुरा लेती है और फिर बाद में इस घनी रात में बाहर जाके अपने फोन को ट्रैक करती है। फोन को ट्रैक करते समय सारा को जमीन पर ब्लड के साथ में टूटा हुआ दांत मिलता है। कुछ और पास जाने पर अब उसे अपने फोन की रिंगिंग सुनाई देने लगती है। ट्रैक को फॉलो करते हुए कई जगहों पर ब्लड गिरा हुआ मिल रहा था। सारा अपने बैग के करीब जाती है, लेकिन पीछे से यहाँ पर वो किलर भी आ चुका होता है। दोनों लोग एक दूसरे को देखते हैं और फिर किलर सारा के हाथ को पकड़कर उसे दूसरी ओर ले जाता है। इस तरफ और भी लोग अपने मेंबर्स को ढूंढने के लिए आए होते हैं। किलर और सारा दोनों लोग इधर छुपे होते हैं और दूसरी तरफ बाकी लोग ढूंढते हुए इधर ही आ रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये पता चलता है कि उन तीनों में से एक लड़की मर चुकी है। किलर और सारा दोनों लोग इस जगह से भागते हैं। सारा जल्दी से अपने आप को बचाते हुए घर की ओर जाती है, और घर पहुंचने के बाद में वो अपने डैड के फोन को वापस रख देती है। सारा अब अपने कमरे में जाती है। वो यहाँ बस वो उस किलर के बारे में ही सोच रही होती है। किलर तो सारा को पसंद ही करता था, लेकिन इसे देख के लग रहा है कि सारा को भी वो किलर पसंद आने लगा है। वो किलर के बारे में सोचकर अपने आप को सेटिस्फाई कर रही होती है, लेकिन तब तक खिड़की से नीचे किसी के बुलाने की आवाज आती है। सारा नीचे जाती है तो उसे पता चलता है कि ये क्लॉडिया का बॉयफ्रेंड है। वो सारा से पूछता है कि पूल पर क्या हुआ था, लेकिन सारा कोई भी बात बताने को राजी नहीं होती है। बात ज्यादा बढ़ जाने पर सारा को पुलिस के पास में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। इस बार पुलिस के ज्यादा फोर्स करने पर सारा पूरा पूल वाला इंसिडेंट
स्ट्रेंथ बता देती है, लेकिन वो किलर वाली बात अभी भी नहीं बताती। सारा और उसकी मॉम यहाँ से निकलते हैं। दूसरी ओर हम सारा के घर पर देखते हैं जहाँ वो किलर सारा के घर में होता है। सारा के पिता तभी यहाँ आ जाते हैं, जिसके बाद में वो किलर सारा के पिता पर हमला कर देता है। इधर सारा और मॉम घर आ जाते हैं और उधर किलर और सारा के पिता में फाइट हो रही होती है। सारा अपनी मॉम से काफी परेशान हो गई है क्योंकि वो सारा को एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करती है। सारा यहाँ पर इतना रेज हो जाती है कि वो ये कह देती है कि आप मर क्यों नहीं जाती, जिसके बाद वो किलर अब नीचे आता है और फिर वो सारा की मॉम को घायल कर देता है। अब किलर और सारा दोनों लोग यहाँ से निकलते हैं। घर के बाहर जाने पर एक बार फिर कुछ लोग सारा को बुली कर रहे थे, जिसके बाद किलर वैन में बैठकर उनकी ओर ले जाता है, जिससे ऊंचाई से नीचे गिर जाने पर उन सभी की हड्डियां टूट जाती हैं। किलर अपनी वैन से सारा को ले जा रहा होता है। हालात को देख के यही लग रहा है कि ये किलर सारा के साथ में शादी करना चाहता है, मगर इतने में अचानक से रास्ते में भैंस आ जाती है, जिसके बाद में उनकी वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। किलर अब सारा को अपनी गोद में उठाकर अपने अड्डे पर ले जाता है। सारा इस समय घायल थी, जिससे वो बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद जब सारा की आंख खुलती है तो वो इस फार्म हाउस जैसी जगह के दूसरे कमरे में जाती है। दूसरे कमरे में जाने पर उसे क्लॉडिया और रोजा दिखते हैं। सारा को लगा था कि ये दोनों भी मर चुके हैं, लेकिन इन्हें जिंदा देखकर वो खुश होती है और इसके बाद में वो इन्हें खोलने लगती है। सारा इन्हें रिलीज कर रही थी, लेकिन रस्सी इतनी आसानी से नहीं खुल रही थी और तब तक यहाँ वो किलर भी आ जाता है। किलर ये जानकर कि सारा इन्हें रिलीज कर रही थी तो वो गुस्सा हो जाता है। सारा उस किलर से बचकर भागती है, लेकिन कुछ ही ट्राई के बाद में वो किलर उसे पकड़ लेता है। वो किलर अभी भी सारा को कुछ नहीं कहता, वो बस सारा को अपना नाइफ देके इन दोनों को मार देने के लिए कहता है। सारा ऐसा नहीं करना चाहती है, जिससे वो पीछे मुड़ के किलर पर ही हमला कर देती है, लेकिन वो किलर बच जाता है। मगर फिर भी किसी तरह सारा उसे लड़ाई करके उसके पेट में स्टैब कर देती है। चाकू लग जाने के बाद में किलर से गन फायर हो जाता है, जिससे क्लॉडिया का हाथ डैमेज हो जाता है। सारा के अंदर जितना भी गुस्सा भरा हुआ था वो अब इस किलर के ऊपर निकालती है। वो किलर को बुरी तरह से मार देती है और फिर इसके बाद में वो इन दोनों को भी कैद से रिलीज कर देती है। सारा पैदल ही यहाँ से निकलती है। सारा की हालत इसमें बहुत ही डरावनी लग रही होती है। उसे रास्ते में तभी क्लॉडिया का बॉयफ्रेंड मिलता है, जिसे सारा लिफ्ट मांगती है। वो उसे लिफ्ट दे देता है, जिसके बाद में सारा यहाँ से चली जाती है। इसी के साथ में यहाँ पर इस मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी हाल ही में रिलीज हुई 2022 की पिगी मूवी का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।